सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोबिया फातिमा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज हम करने वाले हैं अपना रूम शिफ्टिंग। तो चलिए आप लोग मेरे साथ देखते रहिए कि हम कैसे डबल रूम से सिंगल रूम मिला। सो गाइज, मेरी मैम अपना रूम खाली कर दी है और अब हम रूम में शिफ्ट होने वाले हैं अपने। ये सेकेंड फ्लोर पे है और ये रूम नंबर है इसका 50B। तो अभी चलते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले देखते हैं रूम। सो दिस इज माई रूम 50B B50। सो सो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा रूम है। ये है इसका कबर्ड जो बंद भी हो सकता है ऐसे ऐसे। और ये सब सारे सामान अभी हमको साफ करवाने के लिए काम पे कुछ कुछ है तो अभी बंदे हैं। ये विंडो अच्छा है और ये मेरा अकेले का सोलो रूम होगा। ओ ये क्या है, पास्ता मैक्रोनी से पास्ता है क्या? है शायद, समझ नहीं आ रहा है। गाइस क्या करें, इसका इस्तेमाल करें या फेंक दें, आपको जैसा पता है। अभी आंटी को काम वाली आंटी को बुला के साफ करते हैं, करवाते हैं, मतलब खुद तो करने का टाइम नहीं। सो सेकंड फ्लोर वाली आंटी आ गई है साफ करने के लिए। पेंट भी करवाएंगे, इसका पेंटिंग बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आज पेंटर नहीं आएगा, कल सुबह आएगा, तो हम लोग कल सुबह पेंट करवाएंगे। हम प्राइमर लिया पिंक के शेड में। सो गाइज, अभी हम एकदम नींद में हैं लेकिन अभी मेरा पेंटर आने वाला है इसलिए हमको उठना पड़ेगा। तो पेंट अपने रूम में यहाँ पर ले आए हैं और साथ में ब्रश भी। सो ये है हमारा पेंट, ये हम कल ही जाकर ले आए थे और अलग से ब्रश भी है। सो ये दो डब्बा है प्राइमर का जो पहले लगेगा वाइट कलर का, एंड उसके अलावा ये जो है एक वॉल का जो डार्क थोड़ा पिंक में पेंट है वो है, और ये बाकी लाइट पिंक का दो मतलब पेंट दो लीटर। ये ओवरऑल है सब 1250 लगा हमको ओवरऑल। सो पेंटर भैया आ गए हैं एंड वो स्टार्ट कर दिए हैं सीलिंग से प्राइमर लगाना। एंड और आप देख सकते हैं कि मेरे पुराने रूम की हालत कैसी हुई है, सारा सामान कितना बिखरा पड़ा है। सो ये रूम भी हमको बहुत पसंद था, ये वॉलपेपर हम स्पेशली यहाँ पर लगाए थे 6000 में, एंड ये रूम मेरे दिल के बहुत करीब था। देखिए गाइस, थोड़ा मोड़ा ऑलमोस्ट हम साफ़ किए हैं, जैसे वो एरिया साफ़ कर लिए हैं कॉर्नर, और अब बस ये टेबल साफ़ करना है, ये भी ले जाना है, और इधर तो सब है ही बिखरा पड़ा, फ्रिज भी ले जाना है। सो प्राइमर लगने के बाद अब रियल पेंट होगा। पहले कौन सा वॉल पेंट करेंगे? गाइस हम सुबह से कुछ नहीं अभी तक किए हैं ना खाए हैं, मतलब किए तो बहुत कुछ है, खाया नहीं है, एकदम थक गए हैं, एकदम अजीब साफ सफाई करते करते गंदे टाइप के हो गए हैं। अभी देखिए कितना कुछ अलग अलग किए हैं, इधर इधर अलग अलग किए हैं, और थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा है कि ये रूम छूट रहा है। आपको पता है हम फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक इसी रूम में रह रहे थे और कोई रूम ही नहीं चेंज किए, घर से आए डायरेक्ट यही रूम 28A 3rd floor। सोचे थे फाइनल ईयर तक रहेंगे, फिर लगा कि सिंगल रूम भी ज़रूरी होता है फाइनल ईयर इंटर्नशिप में, इसलिए प्लान किए सेकेंड फ्लोर पर शिफ्ट होने का 50B में। वही अभी बाकी सामान नीचे पेंट हो रहा है, हो जाएगा जब नीचे पेंट अच्छे से, ये सब सामान भी ले जाना शुरू करेंगे। सामान ले जाना अलग बात है, उसको वहाँ पे अरेंज करने में हमको लगता है 2 से 3 दिन लग ही जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी अच्छे से अरेंज करेंगे तब जाकर सही होगा कुछ। अब ये पुराने वाले रूम में जितना कचरा किए हैं उतना तो थोड़ा सा झाड़ू खुद से देना ही पड़ेगा, तो वही झाड़ू दे रहे हैं। सो गाइस, झाड़ू लग गया है, अच्छे से। सो ये है सेकेंड फ्लोर और इसी एरिया में मेरा नया रूम है, और ये वन साइड का वॉल पेंट होना शुरू हो गया है पिंक से। हमको ऑलरेडी ये कलर बहुत पसंद आ रहा है, देखते हैं फाइनली कैसा लगता है ये। अब हम ये सब तीनों में से जो जो मेरा सामान है वो सब निकालेंगे, क्योंकि ये सब में भी बहुत सारा सामान है मेरा। सो ये वाला वॉल तो पेंट हो गया और बहुत ही हमको पर्सनली अच्छा लग रहा है ये वॉल। सो गाइस, पेंट हो रहा है। सो अब बाकी का जो 3 वॉल है वो लाइट पिंक कलर से पेंट होगा, वो भी क्यूट लग रहा है कलर, प्यारा सा। सो गाइस, फाइनली पेंट हो गया एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका अलग गंदा हो गया है जो की का, बट आप देख सकते हैं ये लाइट पिंक वाला शेड बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम वेट करें इसी वाले का जो यहाँ पे AC लगाएंगे आके।
ये पेंट होने के बाद यहाँ पर कबर्ड में और डोर ये सब में बहुत ज़्यादा पेंट का दाग लग गया था, वही छुड़ा रहे हैं। सो गाइस ये बहुत गंदा हो गया था और ये भी गंदा हो गया था, ये दोनों को हम चमका चमका के साफ कर दिए हैं एंड अभी ये भी साफ करना बाकी है, इसी करना है। सो गाइस आज आंटी नीचे वाला वो पेंट वाला वो साफ़ नहीं कर पाई, चली गई, इसलिए आज कोई भी सामान और एक्स्ट्रा नीचे नहीं जा रहा है, सब कल जाएगा। जहाँ तक सोने वाली बात है तो जहाँ तक सोने वाली बात है नीचे सो जाएंगे ज्योति के रूम में। सो अब एसी वाले आए हैं, वो इस रूम से एसी शिफ्ट करके नीचे ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आउटर वाला एसी का पार्ट निकल चुका है एंड अब एसी भी निकल गया है, अब नीचे वाले रूम में ले जाएंगे इसको अपने सिंगल रूम में। एंड यहाँ पर मेरे सिंगल रूम में एसी लगने लगा, लग गया एसी सही ना। सो गाइस यहाँ समोसा खा रहे हैं हम और पोछा मार गिर गया है, बाकी सामान लाना बस बाकी है। हम गद्दा खुद से ले आए थे, गद्दा कंबल खुद से ले आए थे। सो गाइस ये है मेरी रूम की हालत, आप देख सकते हैं कितने किताब किताब और बाकी किताब है इस बैग में और बाकी के कपड़े कितने ही बदतर हालत में हैं। हो बहुत सी चीज़ें हम खुद उठा के लाएँ गाइस, थर्ड फोर्थ सेकंड फोर्थ, हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम खुद उठा ही रहते। अब गाइस ऑलमोस्ट सब सामान चला गया है, बस क्या बचा है, बस बचा है मेरा फ्रिज, इसके ऊपर का सामान खाली करके फ्रिज भी ले जाएंगे। फ्रिज को साफ़ करना एक बहुत ही बड़ा हेडेक होता है गाइस, अब तो उसको सोच रहे हैं कि पूरा अंदर से भी साफ़ कर ले, गंदा हो गया, बाकी लोग का सामान भी हटा दे, अपना सामान तो ऑलमोस्ट हटा दिए, गंदगी। सो गाइस अब मेरा रूम बिल्कुल ही पैक हो गया है, जैसा कि आप देखते हैं फ्रिज भी आ गया है, एकदम पैक, मतलब लग ही नहीं रहा कुछ जगह बचा है मेरे लिए, इट्स ऑल पैक्ड। बाय बाय बाय। पेपर बिछ गया है गाइस, पेपर बिछ गया है, ये भी सेट हो गया है गाइस, सरियाते सरियाते हालत ख़राब हो गया है बट अभी भी अच्छे से नहीं हो पाया है गाइस। कल से जो कपड़ा पहने हैं वहीं पे दरवाज़ा लगा, कल से जो कपड़ा पहने हैं वहीं पहने हैं, ना कुछ खा पी रंग से पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो जल्दी से हो जाए बस। सो गाइज अब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, अब वाईफाई वाले आए हैं तो वाईफाई लगाएंगे यहाँ पे स्टेबलाइजर के ऊपर। सो गाइज मेरा वाईफाई लग गया, लग गया, लग गया और बहरहाल मैंने अपने बहुत ही मुश्किल से चढ़ कर अपने सारे बुक्स रख दिए रख दिए रख दिए। हमको सफाई में दो दो नया नया स्टेथोस्कोप मिला है डॉक्टर मोरिस ने, बताओ तो क्या टाइम से यूज़ नहीं करते थे। गाइस सो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, यहाँ पे नीचे हम बर्तन का रख दिए, ऊपर हमको कपड़ा रख दिए और इधर इसके अंदर कपड़ा है ही, उधर ऊपर भी बुक्स है, वहाँ भी बुक्स है और यहाँ पे भी, ये सब हम जब स्टडी टेबल ले आएंगे जाके तो वहाँ स्टडी टेबल रखेंगे तो वहाँ ये सब बुक्स भी रख लेंगे और बेड, अभी बेडशीट चेंज करना है, उधर का भी सब अरेंज हो गया है, मेरा साइड टेबल के ऊपर भी सब अरेंज हो गया, इधर भी सब अरेंज हो गया, बस पर्दा लगा देंगे, उससे पहले हम जा रहे हैं नहा के आने फ्रेश होकर। सो गाइज दिस इज़ द लुक आफ्टर द पर्दा, अब बस बेडशीट चेंज करना है, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। इधर हम फ्रिज इधर कर दिए क्योंकि इधर ज़्यादा सही रहेगा फ्रिज। सो अभी हम आए हुए टेबल लेने के लिए, अपने लिए 2400 तक मिल रहा है। सो गाइज हम बल्ब लगा लिए हैं अपने से लाकर और बाकी का जो टेबल यहाँ पे आने वाला है कल आएगा, ऑर्डर दिला गया कल आएगा वो, हम अब बेडशीट चेंज कर लेते हैं, वो थक गए भाई बहुत थक गए बट अच्छा लग रहा है अपने रूम में, ये कलर भी प्यारा है नहीं। हाय पांडू। सो गाइज अब हम जा रहे हैं यहाँ पे बेडशीट बिछाने के लिए, बाकी सब कुछ सेट है, जस्ट बेडशीट बचा है, आपको बता सकते हैं आप लोगों को पर्दा कैसा लगा। सो ये देख लीजिए आज रात को हम इतना सब कुछ सरिया दिए हैं, अच्छे से सेट कर दिए हैं एंड जब टेबल आएगा तो कल आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, ये आज का मेरा वो है सब कुछ, बाकी ड्रॉवर ही सब कल। ये एक्सटेंशन कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं, इस साइड एक भी नहीं है, वो स्विच एक उधर है जिसमें ये फ्रिज लग गया है और यहाँ पे अपना एक यहाँ है,
जिसकी वजह से हमको इतना दिक्कत हो रही थी। ठीक है फिर। सो गाइस हमको ये ऑर्डर आया, हम नहीं जानते ये ऑर्डर हमको कौन दे रहा है और पता नहीं इसमें क्या है। ये बहुत स्वीट है। इट्स रिटन हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी तक मेरा बर्थडे आया नहीं है बट इसी मंथ में 30 दिसंबर को। एंड दिस गिफ्ट इज सो क्यूट। थैंक यू सो मच जिसने भी भेजा है। उसके साथ भी कुछ है। इट्स अ की रिंग ऑफ हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यूट है यार। थैंक्स थैंक्स। ये ड्रॉवर खाली किए हैं, सब सामान निकला है, ये ड्रॉवर खाली करेंगे। सो गाइज फोन पे कूपन आया था हमको, जिसमें कि बहुत ऑफ करके एक ईट श्योर ऐप है उससे मिल रहा था। तो उसमें हम साबुदाना खिचड़ी ऑर्डर किए फ्रॉम लंच बॉक्स और ये पोटैटो वेजेस। ये कहाँ से आए हैं? ये तो आया लिखा होगा फासोस से। तो 2-3 जगह अलग अलग जगह से आ सकता है ईट श्योर से। तो ये प्रमोशन नहीं है, ये बस हमको भूख लगा था ऑर्डर किए। सो गाइज ये है मेरा बैग कलेक्शन। सर आते टाइम बहुत सारा चीज़ निकलता है। एंड अब फाइनली मेरा ये टेबल आ गया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अब हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे सेकंड फ्लोर पे। सो गाइस दिस इज द टेबल। टेबल आ गया, कितना सुंदर टेबल है। ओ वाओ। सो गाइस अब फाइनली आप देख सकते हो कि बहुत मेहनत के बाद ये सब कुछ हैंडल हुआ। अंदर अलमारी पूरा साफ कर दिए हैं, ये पूरा हम अंदर क्लियर कर दिए हैं। एंड ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि अच्छे से सारा चीज़ अरेंज कर दिए हैं। जो काम कर रहे थे वही सब चीज़ें डाल दिए हैं। एंड ये मेरा गिटार और ये मच्छर, बहुत मच्छर है भाई उसका मारने के लिए। आप देख सकते हैं मैं सामने ही घूम रहा है उसके लिए मच्छर। और उसके अलावा ये मेरा फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर का सामान, स्ट्रेटनर, ये सब। उसके अलावा ये मेरा बैग है। और उसके अलावा ये आ गया मेरा स्टडी टेबल। ये नया लिए हम तो उसको पूरा अरेंज कर चुके हैं। एंड उसके अलावा मेरा एप्रन। फिर आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा खाना का सेक्शन है, कुछ खाना बनाएंगे उसके लिए। तो वो सब कुछ हो चुका है, रेडी। फाइनली अब हम रिलैक्स कर रहे हैं भाई, 2-3 दिन से एकदम दिमाग खराब था। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। आगे चल के अगर अपने रूम को हम डेकोरेट करते हैं, अभी तो डेकोरेट तो नहीं किया, बस अरेंज किया, डेकोरेट करते हैं, तो फिर उसके लिए अलग से एक व्लॉग बनाएंगे डेकोरेशन का। तब तक के लिए अभी इसी में चलाएंगे, पढ़े वढ़ेंगे। बहुत हालत खराब हो गया भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। बाय बाय।